एपिसोड में शेफाली जरीवाला ने शहनाज गिल से कुछ ऐसा कहा कि हम चाहकर भी उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाए। असल में शेफाली पारस और माहिरा शहनाज को लेकर बात कर रहे थे और शेफाली जरीवाला ने शहनाज गिल को एक डेफिनेशन दे दी। शेफाली ने कहा कि शहनाज के लिए एक शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है और वो है स्पॉइल्ड ब्रैट। जी हाँ, शेफाली ने शहनाज को कहा स्पॉइल्ड ब्रैट। इसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ नवाबजादा, यानी वो बच्चा जिसे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया हो। शेफाली, आपके इस शब्द के बाद हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जब तक आप किसी को बेहद करीब से ना जानो, तब तक आपको कोई हक नहीं कि आप किसी को इस तरीके से परिभाषित करें। किसी लड़की को नेशनल टेलीविजन पर स्पॉइल्ड ब्रैट कहना छोटी बात नहीं है। आप शहनाज गिल के संघर्ष को नहीं जानती हैं। अगर आप शहनाज गिल से बैठकर उनसे उनकी जिंदगी के संघर्ष की बात करेंगे तो उनकी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। आपने भी ये मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष किया ही होगा, ऐसे में आप किसी दूसरी लड़की को स्पॉइल्ड ब्रैट कैसे कह सकती हैं? दर्शकों को बता दें कि शहनाज गिल ने जब अपने घर पर ये बात बताई थी कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, तो उनके घर से काफी विरोध हुआ था। शहनाज ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें घर वालों ने ये तक कह दिया था कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। शहनाज गिल अपने दम पर यहाँ तक पहुँची हैं। शहनाज ने ये बनने के लिए बहुत मेहनत की है। इतना ही नहीं, बचपन में जब उनके शौक के बारे में घर वालों को पता चला, तब भी उनके घर में कोई भी शहनाज को इस इंडस्ट्री में आने नहीं देना चाहता था। फिर भी शहनाज गिल ने अपने सपनों, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और हार बिल्कुल नहीं मानी, और आज शहनाज वहाँ आप लोगों के साथ पहुँच गई हैं। यकीन मानिए, अगर सना ने भी आपके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए होते तो हमारा रिएक्शन यही होता। उम्मीद करते हैं आप जब भी हमारी ये रिपोर्ट सुनेंगी तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। आपको ये समझ में आएगा कि किसी को स्पॉइल्ड ब्रैट कहना किस हद तक गलत है, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।